एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप अपने एक्ने और एक्ने स्कार्स को जो है होम रेमेडीज को यूज करके आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो बहुत लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि ऐसा कोई रेमेडी बताइए जिससे उनका जो एक्ने और एक्ने स्कार से वो क्लियर हो जाए। तो वही जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है एक्ने हो सकता है। बहुत लोगों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, बहुत लोगों को जो है मेकअप लगाने की वजह से, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हो सकता है, और बहुत लोग जो है यू नो ऑयली फूड खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो पहले जो है आप इन सब चीजों को जो है अवॉइड करना है, उसके बाद जो है आप कुछ भी अप्लाई करोगे तब जाके जो एक्ने है वो कम होगा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मास्क जिससे आपका जो एक्ने है वो क्लियर होगा और आपका जो एक्ने स्कार्स है वो लाइटन होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो इस मास्क के बारे में तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमको चाहिए चिया सीड्स, इसको सब्जा सीड्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो है मैंने लिया है दही। अब जो है एक बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून जितना चिया सीड्स, और इसको सोक करने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून जितना दही। अब जो है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको छोड़ना है 5 मिनट के लिए, जब तक चिया सीड्स जो है डबल ना हो जाए। 5 मिनट के बाद जैसे आप देख सकते हो ये डबल हो चुका है। अब जो है हमको इसको ग्राइंडर में पीस लेना है। इसको पीस के जो है एक फाइन पेस्ट बना लेना है। आप जैसे देख सकते हो ये फाइन पेस्ट जो है बन चुका है। अगेन एक बोल में मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 टेबलस्पून जितना चिया सीड्स का पेस्ट। इसके बाद जो है 1 टेबलस्पून जितना मैंने एलोवेरा जेल डाला है। इसके बाद जो है 1 टेबलस्पून जितना मैंने लिया है हनी, और लास्ट में इस्तेमाल कर रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून जितना दही। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका जो है पेस्ट बना लेना है हमको। जो है ये मास्क बनके रेडी हो चुका है और ये थोड़ा बहुत स्टिकी होगा। इसको लगाने के पहले जो है मैं अपने बालों को जो है टाई कर लूँगी, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक बैंड भी लगा ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी है और बालों पे भी लग सकता है, इसके वजह से जो है मैंने यहाँ पे बैंड इस्तेमाल किया है। इसको जो है मैं अपने कंप्लीट चेहरे पे अप्लाई कर लूँगी। तो इसमें मैंने ऐड किया था चिया सीड्स। चिया सीड्स आके एक एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसके साथ ही साथ एलोवेरा जेल भी ऐड किया था। तो ये एक दोनों ही एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है जिससे ये आपके एक्ने को जो है सूदन करता है, लार्ज पोर्स को जो है मिनिमाइज करता है, और आपके सिस्टिक एक्ने को श्रिंक करता है। इसमें मैंने ऐड किया था दही। दही आके रिच इन लैक्टिक एसिड है जिससे ये आपके एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है, और मैंने हनी भी ऐड किया था। हनी आके एक हीलिंग प्रॉपर्टी है जिससे ये आपके एक्ने को हील करता है, उसके साथ ही साथ आपके एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है। को जो है छोड़ रही हूँ 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद ये ड्राई हो चुका है। सो अब जो है मैं यहाँ पर एक टिशू पेपर की मदद से जो है इसको कम्प्लीटली वाइप कर ले रही हूँ। रिजल्ट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा इस मास्क को वीकली 2 बार। ट्रस्ट मी गाइस, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसको जो है नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, और अब आप देख सकते हो कि मेरा जो स्किन है कितना क्लियर हो चुका है और मुझे कोई भी तरह का एक्ने और एक्ने स्कार्स बिल्कुल ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे सपोर्ट करते रहिए।